हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो मेरा नाम मोइन है और आप देख रहे हैं एम व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो आज इतनी ठंडी है कि मैं बता नहीं सकता, 17 सेल्सियस की ठंडी है आज। और सभी लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, तो मैंने सोचा मैं भी निकलता हूँ, थोड़ा सा घूम कर आता हूँ। ठंडी में बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए जाना आपके सेहत के लिए होता है और एक एनर्जी फील आती है, पूरे दिन भर आप एक्टिव रहते हैं। तो आपको भी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए, मेरा तो यही सजेशन है। तो चलिए फिर चलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। क्या खूबसूरत सनराइज हो रहा है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने की फ़ायदा है कि आपको जो नेचर की खूबसूरती है वो सुबह में अच्छी तरह से दिखाई देती है। तो यहाँ पर सुबह में मोर भी होते हैं, तो कभी इंशाल्लाह अगर मुझे दिखे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और सुबह सुबह में चिड़ियों की किलबिलाट और पानी का आवाज़, अभी यहाँ पर नदियाँ होती है तो उसके वजह से ठंडी थोड़ी ज़्यादा होती है यहाँ पर गांव में, विलेज में। तो उसका मज़ा ही कुछ अलग है जो ये शहर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो शहर अपनी जगह है और विलेज अपनी जगह है। अभी इतनी ठंडी है यहाँ पर तो मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, या मेरे में दिख रहा है या मुझे पता नहीं मुझे। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा पानी दे रहा है, तो उसका मैं सिनेमेटिक शॉट निकाल रहा हूँ। आज है मंडे का बाज़ार। तो इंशाल्लाह अगर मैं बाज़ार में आज जाऊंगा तो आपको आज का बाज़ार दिखाता हूं। तो अभी मैं यहां से जा रहा हूं घर पर, तो मैं मिलता हूं अभी आपको थोड़ी देर बाद। तो मैं निकल चुका हूं घर से और अब चलते हैं बाज़ार, थोड़ा बाज़ार घूमते। सभी फ्रूट की दुकानें और मच्छी, प्याज और अलग अलग मसाले, इस तरह की दुकानें रहती हैं। और अगर आपको कोई बर्तन की चीज़ लेनी है तो वो इस तरह से। और यहाँ से अंदर अब जो मैंने कल आपको दिखाया था खाली सड़क, वो अभी देख सकते हैं आप कि खाली नहीं है बिल्कुल भी। अभी मैं जो क्या करूँगा, साइकिल इधर किधर तो साइड में लगा देता हूँ और आपको चलकर बाज़ार घुमाता हूँ। मैं जो साइकिल है वो अभी इधर ही किधर अंदर लगाता हूँ, साइकिल लगाता हूँ। तो यहाँ से आगे जितने भी भाजी वाले तरकारी वाले बैठते हैं, तो यहाँ से इतने ये इतना एरिया जो दिख रहा है आपको, ये सभी गांव वाले जो है भाजी वाले उनके लिए है। और जो बाहर से आते हैं उनका जो शॉप है वो यहाँ से। तो यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं वो सारे किसान लोग हैं जो अपने और अपने जो खेत का डायरेक्ट वेजिस है वो सीधा यहाँ पर आकर फ्रेश वेजिस आकर बेचते हैं। तो यहाँ पर जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको बेचने वाले, वो सारे अपने किसान लोग हैं
और उनके खेत में का जो फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं वो बेचने के लिए आते हैं। तो इस तरह से अभी दोपहर का टाइम है इसलिए थोड़ी सी भीड़ कम है, अगर शाम होगी तो फिर चलने के लिए भी जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है, इसलिए मैं अभी दोपहर में आया हूँ व्लॉग बनाने। तो मुझे शाम में व्लॉग बनाने नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अभी सीताफल भी आ चुके हैं बेचने के लिए, जो मेरी छोटी बहन को बहुत पसंद है, तो अभी शाम में लेकर जाता हूँ मैं इसके लिए। तो किसान लोग हैं और जो उनकी जो किसान लोग की जो खेत में का वेजिटेबल्स होते हैं वो अगर उन्होंने होलसेल वाले को दिए तो वो उधर उनको उतनी प्राइस नहीं मिलती, इसलिए वो लोग डायरेक्ट बाज़ार में आकर बेचेंगे तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। इसलिए बाज़ार के वक्त सभी किसान लोग आते हैं बाज़ार में। और ये जो बाज़ार है आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है और कहाँ तक लगता है। पर आप देख सकते हैं कि आपको जो भी चीज़ चाहिए वो सब बाज़ार में मिल जाएगी मंडे के दिन। और ये सारी हाथ से बनी हुई चीज़ें, तो यहाँ से हो चुका है बाज़ार ख़त्म और अब मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद आपको। मैं आ चुका हूँ घर पर और इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।